प्रगति विज्ञान संस्था के यूट्यूब चैनल विज्ञान आओ करके सीखे में। इसमें मोबाइल फोन रेडिएशन के हार्मफुलनेस पे अब कुछ लोग कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। और लार्जली जो इसकी कंपनियां हैं मोबाइल फ़ोन की, वो इन्फ्लुएंस कर लेती हैं इसको, साइंटिस्ट को भी, वो उनको नौकरी भी दे देती हैं कि हम चलो इतने पैसे देंगे, आप ये रिसर्च करके बता दो इससे हार्मफुल नहीं है। लेकिन सभी तो बिकाऊ नहीं हैं। तो इस पर मैंने काम करना शुरू किया था काफ़ी पहले, और पहला पीएचडी हमारे यहाँ वही विजय कुमार हैं ग्राफिकरा में, वही थे इसमें। तो 2000 के आसपास काम करना शुरू किया था। इसकी इंस्पिरेशन हमको कुछ दूसरे तरीके से मिली थी कि जैसे आपको मालूम हो कि पहले कहते थे कि भाई आप दक्षिण को पैर करके मत सो, पुराने लोग कहते हैं ना, तो ऐसा क्यों है, इससे कोई साइंटिफिक रीज़न है इसके बीच में? तो हमारे साइंटिस्ट चेन्नई में हैं, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया और उन्होंने पाया कि वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करके एक्सपेरिमेंटली अगर स्ट्रांग है तो देख लिया कि व्यक्ति को पसीना आ गया तुरंत, और अगर उधर कर दिया कि मैं दक्षिण की तरफ सिर कर लें और उत्तर को पैर कर लें तो अच्छा लगने लगा, बहुत बहुत बढ़िया। ये आर्टिकल हमने पढ़ा था ना 86 में, इंडिया टुडे में आया था, इंडिया टुडे के 86 फरवरी लग, इस तरह की चीज़ों पे काम करने का। धीरे धीरे जब वो ज़्यादा हो तो मोबाइल फ़ोन जब आ गए ज़्यादा, तो हमने कहा इसका भी असर होना चाहिए, उस पर काम करना शुरू किया। तो काम करने में ये पाया कि कुछ तो इफ़ेक्ट होगा। कैलकुलेशंस किए मैथमेटिकल, तो सबसे पहले हमने टीवी के जो टावर होते हैं उनसे फील्ड कितना है उस पर देखा। पहले टीवी के टावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, 10 किलोवाट का होता है ज़्यादातर जगह, तो उस पर देखा कि 300 मीटर तक तो हार्मफुल है ही है, उससे अंदर जाएंगे तो ज़रूर हार्मफुल होगा। टीवी टावर के 300 मीटर तक, फिर और इनके टावर्स पे देखा कि इनकी पावर थोड़ी कम होती है। तो ऐसे करते करते जब 2005 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उर्सी होता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेडियो, उसकी कॉन्फ्रेंस 29 दिल्ली में हुई थी, उसमें भी हमने एक पेपर प्रेजेंट किया। लेकिन पेपर पढ़ना तो अलग बात हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं होते। शाम को एक दिन उन्होंने मीटिंग रखी इसी काम पर कि मोबाइल फ़ोन का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे भी। तो उस मीटिंग में मैंने ये उठाया मुद्दा कि उस समय तक वर्ल्ड में केवल 5 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने इस पर गाइडलाइंस तैयार करके इम्प्लीमेंट करी थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन, 5 कंट्री थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब इतने 5 कंट्रीज़ ने किया है, और इंडिया में तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हो गए, 2005 तक तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही इस पर, गवर्नमेंट को हम रिकमेंड करें कि हमारे यहाँ भी गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो गई बात मिनिस्ट्री तक, और हालांकि मालूम है आपको हमारे भारत सरकार कितना स्लो काम करती है, तो उन्होंने फिर एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उन पर रेफ़र किया कि भाई बताओ इस पर क्या हो सकता है, क्या है कि नहीं है, जिसमें IIT रुड़की के भी लोग थे, मैं भी था, सब करके उन्होंने सब रिपोर्ट दी। रिपोर्ट करने के बाद धीरे धीरे वो मिनिस्ट्री में हुआ, और उन्होंने 8 साल लगा दिए इस काम को करने में। सितंबर अक्टूबर 2013 में उन्होंने गाइडलाइंस बनाई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जारी की, वो आज भी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं, और उसमें ये बता दिया कि कितनी कितनी दूरी पर आपको ये मोबाइल फ़ोन के टावर्स लगाने हैं। कि टावर्स की अगर सिंगल रॉड है तो किसी बिल्डिंग के सामने से कितनी दूर होना चाहिए, दो रॉड हैं तो कितनी दूर होना चाहिए, ये उस पर गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं। साथ में ही ये भी कि आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए गाइडलाइंस, कि जैसे सिर के पास ना रखो सोते समय, कमरे में शरीर में से ज़्यादा दूर रखो, पास में नहीं रहना चाहिए, भीगे बाल हैं तो इस्तेमाल मत करो, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, फ़ोन की बैटरी लो हो गई तो यूज़ मत करो, डायल करने के तुरंत बाद कान पे मत लगाओ, क्यों, जब तक उधर से कोई उठा नहीं लेता
उससे पहले इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, 10 गुना होता है। जब उधर से उठा लेगा तो कम हो जाएगा। तो जब आप डायल करते हैं तो आप सामने रखिए, देख लीजिए कैसे कब उसने उठाया, तब कान पे लगाइए, पहले नहीं। तो ऐसी पूरी गाइडलाइंस उस पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाली हुई है। ये मैं समझता हूँ मेरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने उस बात को उठा करके और वहाँ तक पहुँचाया, भले ही गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा देर लगा दी इसमें, लेकिन आपकी वजह से गाइडलाइंस गाइडलाइंस बन गई। और आज जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, कभी कभी क्या है सिग्नल कम है, बाहर भागते हैं, तो वो इसीलिए है। पहले सिग्नल आपके कमरे के अंदर ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वो थे ट्रांसमीटर्स, तो कमरे के अंदर ही बहुत ज़्यादा होता था। अब कमरे के अंदर बहुत कम है, आप आराम से सोइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बात करनी तो बाहर जाना पड़ेगा, अंदर सिग्नल कम हो जाता है, तो इसलिए इतना कम सिग्नल इसी वजह से हुआ। तो कभी कभी लोग कहते हैं ये क्या है यार, मोबाइल फ़ोन तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने कहा इसके पीछे मैं हूँ इस तरह से कम कर दिया इसका। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।